हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज के वीडियो में अपन कवर करेंगे कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन डिफ्लेशन पूरा कर चुके हैं और डिफ्लेशन के टाइप्स पूरे कर चुके हैं, और उससे पहले अपन ने इन्फ्लेशन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन से। कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन यानी जब भी इकोनॉमी में मंदी आती है यानी डिफ्लेशन होता है, वो किस किस कारण से हो सकता है, वो चीज़ अपन को आज कवर करनी है। डिफ्लेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहले बात करें तो फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड में फॉल होना। अपन जानते हैं जब अपन इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तब एग्रीगेट डिमांड मोर देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। और अपन डिफ्लेशन की बात करते हैं जब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी एग्रीगेट सप्लाई मार्केट में सप्लाई खूब है बट डिमांड नहीं हो रही है, उससे क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। तो सबसे पहला कारण है फॉल इन डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड में जब भी फॉल होता है उसकी वजह से क्या आता है, डिफ्लेशन आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो होने लगता है वो बहुत लो कॉस्ट में होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक यूनिट बनाने के लिए पहले किसी भी प्रोड्यूसर को 10 रुपीज़ चाहिए थे, अब क्या हो रहा है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 7 रुपीज़ चाहिए, यानी उसके कॉस्ट कम लगने लग गई। तो जब कॉस्ट कम लगती है किसी भी प्रोड्यूसर की, तब क्या हो जाती है, प्राइजेस कम हो जाती है, और प्राइजेस कम होने की वजह से क्या आता है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अपन डीपली पढ़ेंगे। फॉलिंग इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड में फॉल किस किस वजह से आ सकता है, सबसे पहला पॉइंट अपना वो है, अपन उसको डीपली पढ़ते हैं। अब अपन देख रहे हैं फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड, यानी फॉलिंग डिमांड की बात करते हैं। फॉलिंग डिमांड की बात करते हैं जो तो अपन ने देख लिया है कि जब लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है पूरी इकोनॉमी वाले, इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है फिस्कल ऑस्ट्रिटी। फिस्कल ऑस्ट्रिटी मतलब अपन ये जानते हैं कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, वेजेस कट कर देती है पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स के। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन मानो जब अपन इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे तब अपन ने उसमें एक पॉइंट ये देखा था कि अपन को क्या कर देना चाहिए, वेजेस इनकम डिक्रीज़ कर देनी चाहिए या कट कर देनी चाहिए थोड़े टाइम के लिए। बाकी जब फॉर एग्जांपल ऐसा गवर्नमेंट करती है किसी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, किसी और रीज़न की वजह से, जब पब्लिक सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं लोग, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, उन लोगों की जब इनकम कट हो जाती है, जब इनकम कट होगी, इनकम जब डिक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। वो क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इनकम थी एक पर्सन की 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यह किया, एक महीने की इनकम नहीं दी, या 2 महीने की इनकम नहीं दी, या फिर 15 दिन की इनकम नहीं दी, तो उससे क्या होगा, उसके जो साल में 12 लाख रुपीज़ की डिमांड होती वो कितनी रह गई, 11 लाख रुपये की रह गई, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, मार्केट में डिमांड होगी नहीं प्रोडक्ट्स की, तब क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट अपन ये जानते हैं कि मतलब जब भी गवर्नमेंट वेजेस कट करती है पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स की, तब क्या आता है, उससे डिफ्लेशन आता है। सेकेंड बात करते हैं अपन क्रेडिट क्रंच, यानी स्टॉक मार्केट फॉल। अपन क्या बात करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में फॉल होता है, अपन ये जानते हैं बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या इतनी जो भी मार्केट में बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन सब के IPOs या फिर स्टॉक्स क्या होते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट में है। जैसे रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, अडानी देख लो, और भी बहुत सारे, पेटीएम देख लो, जोमेटो देख लो, आजकल नॉर्मल कंपनीज के भी क्या है, IPO निकले हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी कंपनी लिस्टेड है। तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना स्टॉक मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट के गिरने से क्या होता है, हर एक इंसान को लॉस होता है, जिसने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है उसका लॉस होता है, जो कंपनियां होती है उनका भी लॉस होता है, ठीक है। अगर कंपनी पे अगर 10% भी डाउन चली जाएगी तो उस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगी, उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा।
तो उस वजह से क्या होता है, जब भी स्टॉक मार्केट फॉल होता है उसकी वजह से नॉर्मल पीपल को भी लॉस होता है, प्लस प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको भी लॉस होता है। और उस लॉस की वजह से जब इंसान को लॉस होगा, यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो मार्केट में जैसे ही मनी सप्लाई कम होती है, अपन जानते हैं मनी सप्लाई का सीधा इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है। अगर मनी सप्लाई कम तो एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। समझ गए इस बात को कि इस वजह से भी क्या आता है, डिफ्लेशन आता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं द पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट की। पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट मतलब रिसेशन के टाइम अपनी इकोनॉमी ऐसे फेजेस में चलती है। इकोनॉमी कभी भी बिल्कुल सीधा ग्रोथ नहीं करती है। सबसे पहले ग्रोथ करती है, एक पॉइंट पे जाती है, फिर नीचे जाती है, डाउन जाती है, फिर बॉटम बनाती है, टॉप बनाती है, फिर वापस उठती है। तो जब ये वाला पार्ट होता है, जब इकोनॉमी नीचे जा रही होती है, रिसेशन हो रहा होता है, डिप्रेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, लोग ये देखते हैं अभी मार्केट में पैसा लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि यार नॉर्मल कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कहीं भी अपन पैसा लगा रहे हैं वो हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है अपन को उसका प्रॉफिट। तो लोग ये सोचते हैं, नॉर्मल इकोनॉमी की पब्लिक ये सोचती है कि अभी एक काम करते हैं, अपन मार्केट में पैसा लगाने से बचते हैं, अपन सेविंग कर लेते हैं, पैसा बैंक में रख लेते हैं, कोई भी मतलब नहीं है अभी मार्केट में पैसा लगाने का। तो जब इकोनॉमी के लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि अभी मार्केट में पैसा लगाना ठीक नहीं है, तो मार्केट में पैसा लगे कहीं नहीं, और वो क्या करेंगे, डिमांड भी नहीं कर रहे हैं उन पैसों की, बट वो पैसे अपने बैंक में रख देते हैं। वो सोचते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ठीक मिल जाएगा, बैंक में रख दो। जब ऐसा माहौल बनेगा कि अपन इन्वेस्ट कर सके तब अपन इन्वेस्ट करेंगे, बाकी अगर ऐसा माहौल नहीं बनेगा तो अपने बैंक में पैसे पड़े हैं, अपन ठीक है, परफेक्ट है। तो इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रख देते हैं, तो डिमांड नहीं करते हैं ना मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी अपना एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने के कारण डिफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ इधर, रिसेशन के अंदर पीपल इंक्रीज देयर पर्सनल सेविंग, क्या करते हैं, पर्सनल सेविंग बढ़ा देते हैं, किसके कारण, फियर के कारण, फियर ऑफ लॉस के कारण। फिर अपन बात करते हैं डेब्ट डेलिवर्जिंग, इसमें क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, अपने जो भी डेब्ट है उसको भर देते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान ने लोन लिया हुआ है, किसी भी प्रोड्यूसर ने लोन लिया हुआ है, मतलब जो भी इकोनॉमी में लोग हैं, जिन जिन ने भी लोन लिया हुआ है, वो क्या चाहते हैं कि अपने लोन भर देवें। तो फॉर एग्जांपल एक बात सोचो कि जब किसी पर्सन की इनकम है 1 लाख रुपीज, ठीक है, और वो ई एम आई दे रहा था वो 10,000 की, ठीक है, और 90,000 का कंजम्पशन कर रहा था, मार्केट में डिमांड कर रहा था। अब उसके दिमाग में आया, अरे यार लोन का बहुत ज़्यादा भार है, एक काम करो, मैं तो जो लोन होता है जितनी जल्दी हो सके चुकाता हूँ। तो वो क्या करने लग गया, 10,000 की जगह 50,000 EMI देने लग गया, मतलब उसने क्या किया, पे करने लग गया वो ज़्यादा। तो जब इंसान पे करेंगे, मतलब इकोनॉमी, एक इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता है इकोनॉमी पे, हमेशा बहुत सारे इंसानों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग ये माइंडसेट बना लेंगे कि अपन को लोन जल्दी से पे करना है और अपन को डेब्ट से छुटकारा चाहिए, तब क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम, और एग्रीगेट डिमांड से डिफ्लेशन आ जाएगा मार्केट में। फिर अपन बात करते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी अपन जानते हैं सेंट्रल बैंक लेके आती है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, हायर इंटरेस्ट रेट कर देती है। वो चाहती है कि बैंक में लोग पैसा डालें थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे लोन अच्छे से मिल सके, उनका अपना रीज़न होता है। बट क्या होता है, लोग इंटरेस्ट के लालच के कारण, लोग ये सोचते हैं कि यार अभी अपन क्या करते हैं, अगर अपन कोई बिजनेस करेंगे तो 8 से 10% प्रॉफिट कमाएंगे, ये लोग सोचते हैं। और ये देखते हैं कि बैंक कितना दे रही है, बैंक अगर फॉर एग्जांपल 7% दे रही है, तो वो सोचते हैं कि यार अपन वहाँ पे जाएं, रिस्क ले, उससे बढ़िया क्या है, अपन बैंक में पैसा रखते हैं, अपन को फ्रीली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, आराम से खाएंगे। तो ये सोच के लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं और डिमांड करना कम कर देते हैं, और डिमांड कम से क्या हो जाता है, ऑब्वियसली डिफ्लेशन आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये अपना सेकंड पॉइंट है। एग्रीगेट डिमांड के बाद डिफ्लेशन किस चीज़ से आ सकता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो, यानी जो प्रोड्यूसर्स होता है उनको अगर फ़ायदा मिले किसी और चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से, तब क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है गुड्स की और डिफ्लेशन आता है। सबसे पहले बात करते हैं लोअर ऑयल प्राइसेस, यानी जो ऑयल प्राइसेस है,
अपन जानते हैं कोई भी फैक्ट्रीज चलती है, कोई भी मशीनरी चलती है वो ऑयल से चलती है, पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले ऑयल कॉस्ट थी 90 रुपीज़ और अब डिक्रीज होके क्या हो जाती है, वो हो जाती है 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़। जब ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, किसको, प्रोड्यूसर्स को। अब जब प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट डिक्रीज कर देंगे। यानी अगर आप मानो कि अगर आपको कोई चीज़ बनाने की कॉस्ट आ रही थी 10 रुपये, आप कोई चीज़ बेच रहे थे और उसकी कॉस्ट पड़ रही थी आपके लिए 8 रुपये, तो आप 10 रुपये में इजीली बेच सकते थे। अब आपके वो कॉस्ट पड़ रही है 4 रुपये, तो आप उसको कितने में बेचना चाहोगे, आप सोचोगे यार थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉफिट भी बढ़ा लूँ तो एक काम करता हूँ मैं 7 रुपये में सेल कर देता हूँ। प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो इस प्राइस कम होने की वजह से भी क्या आता है, डिफ्लेशन आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल पहले कोई मशीनरी थी वो क्या कितने प्रोड्यूस कर पा रही थी चीज़ें, जितना रॉ मटेरियल है जितनी चीज़ें हैं उसमें 10 यूनिट प्रोडक्शन कर पा रही थी। यानी ए मशीन 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रही थी एक डे में। अब रॉ मटेरियल सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं, बाकी जो बी मशीन है वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है वन डे में। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज हो गया। और जब आउटपुट इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा मिल रहा है कि 10 यूनिट तो फालतू ही बन रही है, इजीली बन रही है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से। और जैसे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में चीज़ों को सस्ते में बेच देंगे। जैसे अगर फर्स्ट की बात करें तो 5 रुपीज़ में एक यूनिट बेच रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपीज़ में 1 यूनिट सेल कर देंगे, जिससे क्या होगा, उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्लस उनको क्या हो जाएगा, फ़ायदा भी हो जाएगा। और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गई, और इस वजह से क्या आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं एप्रिसिएशन या फॉलिंग इम्पोर्ट प्राइसेस। एप्रिसिएशन में अपन ये जानते हैं अपनी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, मतलब जैसे अगर $1 की प्राइस थी 80 रुपीज़, तो अब $1 की प्राइस कितनी हो गई, $1 की प्राइस रह गई 60 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, इससे फ़ायदा हो गया। अब क्या होगा कि इम्पोर्ट प्राइसेस कम हो जाएगी, मतलब बाहर से सामान ज़्यादा आ सकेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, अपनी प्राइसेस बढ़ने की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर अपन बाहर से कोई सामान मंगा रहे थे तो अपन को 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, ठीक है, यानी एक चीज़ मंगाने के लिए अपन को 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब वही चीज़ मंगाने के लिए अपन को 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो जब अपन इसको ग्रॉस में देखेंगे, इसको बड़े वैल्यू में देखेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। यानी अगर अपन 240 रुपीज़ में 3 यूनिट मंगा सकते थे पहले, तो अब 240 रुपीज़ में अपन 4 यूनिट मंगा सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, यानी प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो रही है। उससे क्या होगा, यानी अपन ये किसी रॉ मटेरियल की भी बात ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है अपन किसी गुड्स की बात करें, यानी रॉ मटेरियल भी क्या हो सकता है, चीप हो सकता है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और प्रोडक्शन बढ़ने से अपन जानते हैं प्राइसेस कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने से डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो होप आप ये वीडियो को समझ गए होंगे, अपन ने सारे कॉजेस समझ लिए हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।